हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद देदी। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करूंगा अनुशीलन समिति के बारे में और जुगांतर ग्रुप के बारे में। देखिए, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, इनको एक कंसोलिडेटेड वे से समझने की कोशिश कीजिए। अनुशीलन समिति के लगभग 1902 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और जुगांतर ग्रुप 1906 में बना था, और 1930s तक ये किसी ना किसी फॉर्म में चलता रहा है। और अगर आगे इस वीडियो में तो नहीं, क्योंकि ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इनके बारे में, ठीक है ना। आगे जो भी बड़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई है ना, जैसे कि HSRA का फाउंडेशन, जैसे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। आगे जाके 1912 में जो लॉर्ड हार्डिंगे पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, जिसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं, फिर बरिसल कॉन्स्पिरेसी केस, फिर चिट्टागोंग आर्बरी रेड जब 1930, और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो आप देखेंगे कि जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है ना, जो अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने डगलस किंगफोर्ड को मारने की कोशिश की थी और गलती से किसी और ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ और डॉटर को मार दिया था, तो ये सारे केसेस कहीं ना कहीं इन अनुशीलन समिति और जुगांतर ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक ही वीडियो में इनको पूरी तरीके से जान पाना पॉसिबल नहीं, हालांकि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ इसको हम यहां समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन बना था ना अनुशीलन समिति, ये कॉन्ग्लोमरेशन था लोकल यूथ ग्रुप्स का और जिम्स का, अखाड़े का। उस समय पे अखाड़ा चलते थे जिनको लोकल जिम्स बोलते थे, तो वहां पे जाके यूथ इकट्ठा होते थे, कसरत असरत करते थे, व्यायाम करते थे, तो वहां पे आपस में मिलते थे और मिलके उनका छोटा छोटा सा कॉन्ग्लोमरेशन बनना शुरू हुआ। उनके रेडलिस्ट थिंकर्स थे, यंग ब्लड था, खून गर्म था, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स से परेशान थे तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि क्यों ना एक मिलिटेंट नेशनलिज्म टाइप का चालू किया जाए और ब्रिटिशर्स को खदेड़ के मारा जाए, ठीक है। इस टाइप से ये शुरू हुआ था अनुशीलन समिति 1902 में, ये लगभग शुरू हुआ था। जुगांतर ग्रुप आया था 1906 में, ठीक है। अब ये जो जुगांतर ग्रुप था ना, वो एक तरीके से ऑफशूट था अनुशीलन समिति का। अनुशीलन समिति को अगर आपको समझना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि अनुशीलन समिति दो ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्ग्लोमरेशन है, ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट बंगाल में एक्टिव था, एक वेस्ट बंगाल में एक्टिव था। ईस्ट बंगाल का सेंटर क्या था? ढाका, जो कि मॉडर्न डे बांग्लादेश है। इस ईस्ट बंगाल में जो अनुशीलन समिति एक्टिव थी उसका नाम था ढाका अनुशीलन समिति, और जो वेस्ट बंगाल था जिसका सेंटर था कलकत्ता, उसमें जो अनुशीलन समिति एक्टिव था उसका नाम था जुगांतर, JUGANTAR, ठीक है। ये बात समझने की कोशिश करेगी, यानी जुगंतर एक तरीके से ऑफशूट था अनुशीलन समिति का ही। अनुशीलन समिति दो ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी थी, ईस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल जो आज का जिसका सेंटर था ढाका, जो कि आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, वहां पे जो एक्टिव थी वो कौन सी थी? ढाका अनुशीलन समिति। और जो वेस्ट बंगाल थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी जुगंतर। अब देखिए फ्रेंड्स, हुआ ये कि इसमें रेवोल्यूशनरीज कौन कौन से एसोसिएटेड थे, तो बहुत बड़े बड़े नाम एसोसिएटेड थे इसमें। अरबिंदो घोष थे, बरिंदर घोष थे, और भी राज बिहारी बोस एसोसिएटेड थे, जतेंद्र नाथ मुखर्जी इनके साथ एसोसिएटेड थे। तो इस तरीके से और बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एसोसिएटेड थे, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। इनकी बहुत सारी फिलोसफीज से ये एसोसिएटेड थे, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चला था, चाहे वो इटालियन नेशनलिज्म की बात हो, चाहे इंडियन फिलोसफी की बात हो, चाहे वेदांता की बात हो, हर जगह से इन्होंने अपनी फिलोसफी से मिलते हुए विचारों को उठाया और अपने आप को इन्होंने मोटिवेट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए। ये किसी भी तरीके से नॉन वायलेंट नहीं थे, पूरा वायलेंट नेशनलिज्म था इनके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, देखिए बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज किए हैं इन्होंने, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपकी अनुशीलन समिति बनी थी, इसकी जो एक्टिविटीज थी ना, इनको जोर कहां से मिला? इनको जोर मिला फ्रेंड्स कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ ना 1905 में, तो उस समय पे क्या था कि धीरे धीरे ये नेशनलिज्म की फीलिंग पनप रही थी, ठीक है ना। फॉरेन रूल के खिलाफ इनके अंदर ख्याल आ रहे थे, और जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में अनाउंस हुआ ना, वो गुस्सा फटा और वो अनुशीलन समिति को मौका मिला कि ज्यादा से ज्यादा यूथ्स को अपने फोल्ड के अंदर लाया जा सके, ठीक है। आगे चलते हैं, जो इसका ऑरिजिन है 1902 में, जो अनुशीलन समिति के अंदर तीन सोसाइटीज काम कर रही थी। एक सोसाइटी तो बनाई थी सतीश चंद्र बासु ने, एक बैरिस्टर थे प्रमथ मित्र, उनकी मदद से। दूसरी सोसाइटी थी बंगाली लेडी थी जिनका नाम था सरला देवी, उनके अंडर बनी थी। और तीसरी थी जतेंद्रनाथ बनर्जी और अरबिंदो घोष ने मिलकर बनाई थी। जतेंद्रनाथ बनर्जी और अरबिंदो घोष ने मिलकर बनाई थी, तो तीन अलग अलग थी, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थे जतेंद्रनाथ बनर्जी और अरबिंदो घोष, उनके कुछ पब्लिकेशन भी थे जैसे वंदे मातरम और जुगांतर, जिसके थ्रू वो अपनी वायलेंट और रेडिकलिस्ट फिलोसफी को लोगों के पास पहुंचाते थे इन अपनी पब्लिकेशन के थ्रू। बंगाल यूथ में इनका काफी दबदबा धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक है। जो ढाका ब्रांच थी, ढाका अनुशीलन समिति थी, उसमें एक्टिव कौन था? पुलिन बिहारी दास एक्टिव थे,
और क्या हुआ ना कि धीरे धीरे जो ढाका अनुशीलन समिति की जो ब्रांचेस थी ना, वो पूरे ईस्ट बंगाल और आसाम में फैल गई। और याद करिएगा, जो जुगांतर वाला था उसमें अरबिंदो घोष ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है, और ढाका वाले में कौन, पुलन बिहारी दास ज्यादा एक्टिव थे। फिर धीरे धीरे जो ढाका ब्रांच थी ना अनुशीलन समिति की, इसने ईस्टर्न बंगाल आसाम में अपने आप को फैलाया, और धीरे धीरे जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे ना उन प्रोविंसेस के, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, उनको अपने आप में मिला लिया। इसकी ढाका अनुशीलन समिति की ब्रांचेस खुल गई जसोर में, खुलना में, फरीदपुर में, राजनगर में, राजेंद्र नगर में, मोहनपुर में, बरावली में, बकरगंज में, बहुत सारी जगह पे खुल गई। इनकी मेंबरशिप 15,000, 20,000, 25,000 तक पहुंच गई, ठीक है, और सीधे सीधे ढाका अनुशीलन समिति ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो मोटिव है वो है पॉलिटिकल टेररिज्म नेशनलिज्म, ठीक है, यानी हम भैया इन अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ठीक है। अब देखिए, 1906 में ही एक जर्नल चालू हुआ था जुगांतर, उसके बाद ही इस ग्रुप का नाम जुगांतर पड़ गया, तो उसको हम आगे अलग से देखेंगे, ठीक है। अब बात यह थी कि देखिए, अगर नेशनलिज्म और वॉयलेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यार ये जो ढाका अनुशीलन समिति थी ना और ये जो जुगांतर ग्रुप था ना, इसमें थोड़ा सा बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि यार जो जुगांतर ग्रुप था ना वेस्ट बंगाल में, उसमें जो अरबिंदो घोष की अप्रोच थी ना, उनका ये कहना था कि भाई हम लोग रेवोल्यूशन के मास बेस को ना स्लोली और ग्रेजुअली तैयार करेंगे, एकदम से कुछ नहीं करना है, तरीके से लोगों को मतलब जमा करके, कंसोलिडेट करके एक पूरा मास बेस हम तैयार करेंगे। जो ढाका अनुशीलन समिति थी ना, उनको ये स्लो अप्रोच पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि भाई हम रेडिकलिस्ट प्रोपोगंडा को फॉलो करेंगे और हम जल्दी करेंगे जो करेंगे, और हमको रिजल्ट भी जल्दी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो ढाका अनुशीलन समिति थी, ये अपनी वर्किंग्स में जुगांतर ग्रुप से थोड़ा सा अलग हो गई, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, देखिए अलीपुर बॉम्ब केस आगे आएगा उसमें भी, ठीक है, कहां कहां पे ये ग्रुप्स इन्वॉल्व हुए इसकी हम बात करेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि अनुशीलन समिति दो थी, ढाका अनुशीलन समिति अलग और आपकी जुगांतर ग्रुप अलग, ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति के जो मेन बंदे थे वो थे आपका पुलिन बिहारी दास, ठीक है ना, पुलिन बिहारी दास थे। अब देखिए इसमें आगे क्या आएगा फ्रेंड्स, की जुगांतर ग्रुप में कौन कौन था, ठीक है ना, और जुगांतर ग्रुप कब तक एक्टिव रहा। अब देखिए फ्रेंड्स, हुआ ये कि जो ये जो दोनों ग्रुप्स थे ना, ये ज्यादातर टाइम तो वायलेंट रहे, लेकिन 1920s के दौरान जब गांधी जी का फेस चल रहा था ना, उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स के साथ ये इनके कुछ सेक्शंस, यानी अनुशीलन समिति के ओवरऑल के कुछ सेक्शंस उनके साथ जुड़े और हल्का हल्का नॉन वायलेंस की तरफ गए। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना 1924 में, और फिर वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, तो इनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और तेजी से बढ़ी। तो मतलब काफी हद तक जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई हैं, वो बहुत हद तक अनुशीलन समिति के साथ एसोसिएटेड कही जा सकती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करेंगे आपका जुगांतर के बारे में। देखिए जुगांतर क्या है कि बेसिकली एक पब्लिकेशन भी था और एक तरीके का ये सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ग्रुप भी बन गया था, ठीक है। बहुत सारे जुगांतर मेंबर्स को उनकी एक्टिविटीज के लिए अरेस्ट करके अंडमान एंड निकोबार में भेजा गया था। हालांकि ये बात हुई थी कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जो एमनिस्टी दी गई थी, उसकी वजह से जुगांतर ग्रुप के बहुत सारे लोगों को रिलीज कर दिया गया था, और फिर वो आके इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, कुछ लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई थी। नोटेबल मेंबर्स की अगर बात करें हम जुगांतर ग्रुप के, तो कौन कौन थे भैया, सूरसेन थे जिनको मास्टर दा कहा जाता, सूरसेन, चिटगांव, आर्बरी रेड, आपने बहुत अच्छे सुना होगा, और इंपॉर्टेंट नाम है अरबिंदो घोष, बरिन घोष, शांति घोष, मोहित मोत्र, फिर बाघ जितिन थे, बाघ जितिन का नाम क्या था, जितेंद्र नाथ मुखर्जी, फिर आपके सत्येंद्र चंद मित्रा थे, राजा सुबोध मलिक थे, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, अभी मैं आपको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में बताऊंगा, फिर प्रीतिलता वादेदार थी, फिर कन्हैयालाल दत्ता थी, सत्येंद्र नाथ बोस थे, संतोष कुमार मित्र थे, इस तरीके से बहुत सारे लोग थे। ये जो लिस्ट मैं देख रहा हूँ, ये बेसिकली वेबसाइट मेरे पास विकिपीडिया की खुली हुई है, ठीक है ना, विकिपीडिया इज द मोस्ट, कहते हैं ना कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड द मोस्ट क्रेडिबल रिसोर्स, तो मैं विकिपीडिया को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत होती है विकिपीडिया में, बट फिर भी मैं काफी हद तक विकिपीडिया को रेफर करता हूं, क्योंकि बात यह है ना कि कन्वेंशनल सोर्सेस पे जाएंगे तो आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए मैं यहां पे आता हूं। और देखिए जुगांतर ग्रुप में बहुत सारी वुमेन भी एसोसिएटेड थी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी आपका कल्पना दत्त और आपका ये प्रीतिलता वादेदार, ये सब इंपॉर्टेंट रही है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए कि वुमेन्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है ना, ये दिमाग में रखने के लिए आपको हर चीज में पूरी तरीके से घुसना पड़ेगा, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड आजकल सिविल सर्विस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर वो पूछ देंगे कि वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो यहाँ पे प्रीतिलता वादेदार और जो बाकी वुमेन जो कि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के साथ एसोसिएटेड रही है, ठीक है ना,
ये अगर आपको पता होगा ना तो आप बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। फिर क्या था यार कि जो अनुशीलन समिति थी ना, इसमें अभी क्या था कि बहुत इन लोगों ने ना केवल इंडिया में ये लोग एक्टिव रहे, इन्होंने अपनी जो हदें थी ना उनको बाहर भेजा, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने हिसाब जोड़ा, ठीक है ना, उनके साथ मिलके रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को इंडिया में बढ़ाने की कोशिश की और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, ठीक है ना। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, इनको भी आपका अनुशीलन समिति ने ही भेजा था, ठीक है। उसके बाद एक जर्मन प्लॉट नाम की चीज हुई थी, जर्मन प्लॉट के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके जर्मन प्लॉट अलग से देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यार एक चीज और हुई थी इसमें, ठीक है, एक पेरिस इंडिया सोसाइटी थी जिसके बारे में आपको सुना होगा, तो पेरिस इंडिया सोसाइटी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, एक पर्सन थे जिसको आपके जो अनुशीलन समिति थी ना उसने पेरिस भेजा था, किस चीज के लिए उसको पेरिस भेजा गया था कि भाई तुम जाओ और सीख के आओ कि ये बम कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। बम ऑब्वियसली बात है यार कि अगर आपको ब्रिटिशर्स से लड़ना है तो आपको मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरत पड़ेगी, और मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरत पड़ेगी ना तो बॉम्ब मेकिंग आनी चाहिए। तो ठीक है, फिर बरिन घोष ने जो कि आपके अनुशीलन समिति के थे, उन्होंने हेमचंद्र कनुंगो को पेरिस भेजा कि आप पेरिस जाओ और पेरिस में निकोलस सर सफ्रांस की नाम का एक रशियन रेवोल्यूशनरी था, उससे बॉम्ब सीख के आओ। तो वो वहां पे गया और बॉम्ब सीख के आया, और पेरिस में मदाम कामा भी थी, मदाम कामा वॉज वेरी मच लीडिंग फिगर इन पेरिस इंडिया सोसाइटी एंड इंडिया हाउस इन लंदन, ठीक है ना। तो वहां से जो बॉम्ब मेकिंग की टेक्निक थी ना वो इंडिया में आई, और उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अप्लाई कहां किया गया, जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, वहां पे सबसे पहले अप्लाई किया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं अनुशीलन समिति और जुगांतर ग्रुप को एक मिला के बता रहा हूं, मैंने उनकी एक्टिविटीज को भी सेग्रीगेट नहीं किया है, ठीक है ना। अनुशीलन समिति और जुगांतर ग्रुप की एक्टिविटीज को मैं एक अनुशीलन समिति मान के कर रहा हूं, क्योंकि भाई अनुशीलन समिति के ही ये दो हिस्से थे, ढाका अनुशीलन समिति और आपके जुगांतर ग्रुप, ये दोनों एक ही मान के मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो बम फेंकने का सबसे पहली चीज हुई वो आपकी वहां पे हुई, इंडिया हाउस के थ्रू बम बनाने का तरीका जो कि ये आपके गए थे हेमचंद्र कनुंगो, वो पेरिस से सीख के आए, यहां पे उन्होंने लोगों को बताया कि भैया बम कैसे बनता है, और उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ने बहुत तेजी से सर चढ़ के बोलना शुरू किया और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी केस होने लगे। बरिसल कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, आगे जाके लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये था फ्रेंड्स आपका अनुशीलन समिति जुगांतर ग्रुप, बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, बहुत ही लिमिटेड चीजें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, डिटेल में मैं कुछ भी नहीं किया हूं। आपको बस समझ में आना चाहिए कि अनुशीलन समिति 1902 में बनी, इसका ही एक ऑफशूट 1906 में जुगांतर ग्रुप बन गया, मिलके इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज की और 1930s तक इनकी एक्टिविटीज चली है। हाँ, 1930s के बाद इनकी एक्टिविटीज कमजोर हो गई, ये खत्म होने लगे, लेकिन इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के रेवोल्यूशनरी टेररिज्म में सबसे प्रोमिनेंट रोल इनका रहा है। हर तरीके के रेवोल्यूशनरी टेररिज्म कहीं ना कहीं इनकी जड़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, हर तरीके के रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ने जो भी इंस्पिरेशन लिया है, मोटिवेशन लिया है, ये इनके थ्रू ही लिया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो और इनके साथ और अच्छे से इनको समझने के लिए फिर मैं अभी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बताऊंगा, फिर मैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस बताऊंगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बताऊंगा, बरिसल कॉन्स्पिरेसी केस बताऊंगा, तो इसमें आपको और पता चलेगा कि कैसे ऑपरेट कर रहे थे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताई दिया, तो आपको पसंद आ गई वीडियो तो फ्रेंड्स लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।